हेलो फ्रेंड्स टुडेज़ टॉपिक इज सिट्रिक एसिड साइकिल इंट्रोडक्शन द सिट्रिक एसिड साइकिल और द साइट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और टीसीए साइकिल जो साइट्रिक एसिड साइकिल होता है उसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं और टीसीए साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है जिस मेटाबॉलिक पाथवे है जो हम हमें हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबाउट सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द ए टी पी इज सिंथिस इन क्रिप्स साइकिल तो इस साइकिल में इस साइकिल में सिक्सटी फाइव से सेवेंटी परसेंट जो एटीपी है जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को एक साइकिल सप्लाई करता है इट एसेंशियली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल सी ओ ए टू सी ओ टू एंड एच टू ओ मेनली ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये क्या करता है ये ऑक्सीडेशन करवाता है हमारे एसिटाइल सी ओ ए का किसमें सी ओ टू एंड एच टू ओ में द नेम टी सी एस साइकिल इज यूज सिंस एट द आउटसेट ऑफ द साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज साइट साइट्रेट सिस एक्निटेट एंड आइसोसाइट्रेट पार्टिसिपेट्स सो ये जो साइकिल है इसके शुरुआती में शुरुआत में जो हमारे पास कुछ यहाँ पर एसिड्स हैं जैसे साइट्रेट है एकोनिटेट से है आइसोसाइट्रेट है ये सब सब सी से शुरू हो रहे हैं सो so, दैट इज टी सी ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए उसका नाम पड़ा है सो so, अब हम देखते हैं टी सी ए साइकिल मेटाबॉलिक मेटाबोलिक पाथवे जो टी सी ए साइकिल है वो सेंट्रल मेटाबोलिक पाथवे कैसे है द साइट्रिक एसिड साइकिल इज़ द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड अमीनो एसिड्स जो ये साइकिल है साइट्रिक एसिड साइकिल ये एक फ़ाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है मतलब जो भी है हमारे हम जो भी चीज़ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फिर फैट्स खाते हैं या प्रोटीन्स खाते हैं तो अल्टीमेटली उनसे जो एनर्जी हमें मिलने वाली है जो ए मिलने वाला है उसको इस साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा क्रैप साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारा क्रेप साइकिल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे है जो क्या कर रहा है इंडिविजुअल अलग अलग जो जो पाथवेज होंगे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट uh, के या फैट के अलग साइकल्स जो हैं अलग मेटाबॉलिक पाथवे जो हैं उन सबको ये कनेक्ट करने का काम करता है राइट सो इट्स अ सेंट्रल पाथवे इसलिए ये एक सेंट्रल पाथवे जो अलग अलग इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे को कनेक्ट करने का काम कर रहा है चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो अब हम ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं द सिट्रिक एसिड साइकिल वॉज प्रपोज बाई हांस डॉल्फ क्रेब्स इन 1937 थर्टी सेवन बेस्ड ऑन द स्टडीज़ ऑफ ऑक्सीजन कंजन इन पिजन ब्रेस्ट मसल्स सो इसमें क्या ये जो है ये जो साइकिल है ये प्रपोज़ किया गया था हांस एडोल्फ क्रेब्स द्वारा इसलिए हमने यहाँ पे देखा भी था कि इस साइकिल का नाम क्या होता है क्रेब्स साइकिल भी होता है क्यों क्योंकि इन्होंने इसको प्रपोज़ किया था हांस एडोल्फ क्रेब्स ने 1937 में Location of the TCA cycle. The enzymes of the TCA cycle are located in the mitochondrial matrix in close proximity to the electron transport chain or the ETC. ये जो एंजाइम्स होते हैं जो ये पूरा साइकिल अभी हम देखेंगे उसमें जो भी एंजाइम्स यूज होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं मतलब जो हमारा देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन और इसके बीच का इंटर मेम्ब्रेना स्पेस और ये जो अंदर का पोर्शन है दैट इज़ द मैट्रिक्स सो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट है राइट लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रियाल के मैट्रिक्स में ये एंजाइम्स प्रेजेंट है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है और ई टी सी साइकिल मतलब ई टी सी जो है वो इधर ही होता है तो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये काम करता है टी सी ए साइकिल एंड ओपन साइकिल क्रेप साइकिल इज अ साइकिल प्रोसेस हावएर इट शुड नॉट बी व्यूड एज क्लोज सा सर्कल सेंस मैनी कंपाउंड्स एंटर द साइकिल एंड लीव क्या होता है ये जो टी सी ए साइकिल है ये प्रॉपर मतलब ये एक साइकिल प्रोसेस तो है बट इसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होकर बाहर निकल जाते हैं और बहुत चीज़ें अंदर आ जाती है तो कुछ आना जाना इसमें चलता रहता है तो क्योंकि ये आना जाना चलता रहता है तो इसलिए प्रॉपरली हम इसको क्लोज सर्कल नहीं बोल सकते हैं सो so, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल सीओ ए बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टी सी ए साइकिल तो जो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन है यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर पायरुवेट से एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के थ्रू ये ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन हो रही है यहाँ पर तो ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पायरुवेट और साइकिल के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है पायरुवेट एक थ्री कार्बन कंपाउंड होता है और एसिटाइल कोलिन जो मतलब एस सॉरी एसिटाइल सी जो होता है वो एक टू कार्बन कंपाउंड होता है तो थ्री कार्बन से टू कार्बन का ये जो कन्वर्जन है यहाँ पर पायरुवेद डिहाइड्रोजनेस की वजह से होता है आप देख रहे हैं कि एक सी ओ टू यहाँ से निकल रहा है एक एन ए डी पी एच यहाँ से निकल रहा है अब ये जो साइकिल है हमने पहले भी देखा था टी सी ए साइकिल इसका नाम पड़ा था क्योंकि तीन सी से ये शुरू हो रहा था दैट इज साइट्रेट साइट्रेस एक्टेड और आइसोसाइट्रेट तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनसे इनकी वजह से इनकी वजह से इसका नाम टी सी ए साइकिल पड़ा है कि स्टार्टिंग में हमारे तीन यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो सब सी से शुरू हो रहे हैं ट्राई एसिड वो तीनों सी से शुरू हो रहे हैं ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा ये आपको एज इट इज साइकिल बनानी होगी विद प्रॉपर एंजाइम्स की ये सब ब्लैक में एंजाइम्स के नेम्स दिए गए हैं तो मेन इसमें आपको ये साइकिल तो बनानी ही है और इसको अपने वर्ड्स में आप कन्वर्ट करके कि फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोड जो कि थ्री कार्बन है ये कन्वर्ट हुआ एसिटाइल सी ओ ए में विद हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस देन वॉट विल हैपन ऑक्जैलो एसिटेट साइट्रेट सिंथेस की मदद से एसिटाइल कोलिन से होते हुए वो क्या फॉर्म करता है साइट्रेट बनाता है अब यहाँ से साइट्रेट के बाद सिर्स एकोनिटेट का फॉर्मेशन होता है एकोनिटेज एंजाइम की वजह से फिर इससे इसका प्रोडक्शन होता है इसके बाद ये बनता है ये पर्टिकुलर आपको हर चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो आपने जब ये पूरा चार्ट बना लिया ये पूरा सर्कल ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस आपने बना लिया साइकिल बना लिया इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दिया तो ये काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए उसके बाद यहाँ पर मेन हमें इसमें आउटपुट देखना है कि आउटपुट क्या होता है तो इस पूरे साइकिल में हमें तीन एन मिलते हैं एक एफ मिलता है और एक ए मिलता है हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में इन सब को डिस्कस करेंगे कि ये जो एन है एफ है या ए है ये सब क्या है और इन सब से जैसे ए तो आपको पता ही है कि ए अल्टीमेटली एनर्जी बन रहा है बट ये सब क्या है इनका क्या रोल है ये हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और हम हमें ये जानने को मिलेगा कि प्रॉपरली ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था अभी हमने साइकिल के बारे में पढ़ा है तो इन सबको मिला कर हमें टोटल ए कितना मिलता है और इससे हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा इन द अपकमिंग वीडियोस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ अगर आपको ये import, आ, अच्छा लगा वीडियो या कुछ समझ आया इसमें से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ओपिनियंस लिखिएगा थैंक यू